नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फोकस विद्यास में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको आने वाले RRB, ALP और ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम आपके पैटर्न को बताएंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी में देखा गया है कि मैक्सिमम जो पैटर्न था सब पर रिपीट हो रहा है। मीन्स जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक ALP और टेक्नीशियन के, उन सभी में उनका एग्ज़ाम जो है रिपीट हुआ है। उनका पैटर्न क्या हुआ, बार बार रिपीट हुआ है और कभी कभी तो उसके क्वेश्चन ही रिपीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम में पेपर्स आए थे, कौन कौन से आपके क्वेश्चंस थे, किस किस पैटर्न से थे। क्योंकि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया है तो मैं अच्छे से जानता हूँ, बखूबी मुझे यह पता है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं। ये मेरी मेमोरी के ऊपर है, जितने भी मुझे क्वेश्चन याद हैं मैं सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग आप अगर प्रिपरेशन करके जाएंगे तो पक्का आपके 50 से अबव, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से अबव आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स में आपको मिलते रहें। और ये वीडियो थोड़ा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट में मैं रखूँगा अवेयरनेस और मेरी करंट अफेयर्स और हमारे जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, और दूसरी वीडियो में मैं रखूँगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों वीडियोस का आप आसानी से देख लीजिएगा और पूरा देख लीजिएगा ताकि कोई भी पैटर्न आपसे छूटे ना, और मैं हर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा ब्रीफली। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो हमारा पहला वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, ये आपका रहेगा आपकी जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और आपकी जो करंट अफेयर्स है उस पर, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन था, छोटे पौधों में बौनापन कौन रोकता है। मीन्स जो छोटे हमारे पौधे होते हैं यानी कि जब ये छोटे होते हैं, जैसे इंसान को कुपोषण हो जाता है, इसी तरह से छोटे पौधों में बौनापन यानी कि ये बौने ना रहे, तो इनके अंदर एक कह सकते हैं एक एंजाइम तरीके का होता है, उसका नाम होता है एक ग्रेविलिन, ठीक है। इसे याद कर लीजिए क्योंकि चारों ऑप्शन तो मुझे याद नहीं रहते, आंसर मुझे याद है इसका, हमारे छोटे पौधों में बौनापन कौन रोकता है, ग्रेविलिन। तो ये निश्चित रखिए कि आपका पौधों से जो आपके पौधों से रिलेटेड ग्रंथियाँ होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये बहुत अच्छे प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। पौधों में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको वो एक बार पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी के द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग। मीन्स जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है इसमें हमारा क्या संबंध होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी होता है ये स्मॉल जी, ठीक है, ये हमारा इक्वल टू होता है आपका कैपिटल जी, आपका ये वो वाला फॉर्मूला है बिल्कुल, कैपिटल जी और एम अपॉन आर स्क्वायर, और एम अपॉन ये आपका होता है आर स्क्वायर, कैपिटल वाला आर स्क्वायर। तो इसका जो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका एम अपॉन आर स्क्वायर, केवल वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे थे एम अपॉन आर स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन आर और एम आर मल्टीप्लाई में और भी आपको एक ऑप्शन दे रखा था। तो पृथ्वी यानी कि आपका साइंस में याद कर लीजिए कि आपको ग्रेविटी वाले एक दो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अर्थ से रिलेटेड जो भी आपके साइंस है वो आपकी पूछी जा रही है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया था एक नैनोमीटर इज इक्वल टू, मीन्स एक नैनोमीटर बराबर कितने मीटर्स होते हैं। तो सिंपल सा इसका आपको आंसर पता भी होगा कि एक नैनोमीटर बराबर हमारा होता है 10^-9, ठीक है, 10^-9 मीटर। तो यहाँ आप इसका आंसर आसानी से देख सकते थे। तो सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस यानी मेजरमेंट वाले भी आप यहाँ पे पढ़ के जाइए। फिर हमारा क्वेश्चन था एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। मीन्स आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये आपका एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो जैसे आपका हाइड्रोजन है सेम वैसे ही आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड
ना ही एसिड है ना ही बेस है, ये न्यूट्रल है। कैसे बताता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक कंडीशन में एसिड से भी रिएक्शन कर जाता है और दूसरी कंडीशन में बेस से भी रिएक्शन कर जाता है। तो जो ऐसे आपके मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इसका आंसर न्यूट्रल दे सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन था पीएच वैल्यू मापने के लिए सबसे सही यंत्र कौन सा है। इसके चार ऑप्शन दे रखे थे और इसका जो आंसर राइट आंसर है वो आपका पीएच प्रॉब है। पीएच प्रॉब आपका एक यूनिट होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके यानी कि एक पतला जो सिरा होता है उसमें कांच का बल्ब घिरे हुए हाइड्रोजन आयन बने होते हैं, ठीक है, जिससे पीएच की वैल्यू एक्यूरेट मापी जाती है। अब मैं बता दूँ कि पीएच वैल्यू से लगभग हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी पीएच पूछा गया है। मैं बता दूंगा आपको किस तरह से। अब हमारे ये क्वेश्चन है अम्लीय होगा, ये क्वेश्चन दे रखा था कि इट इज एसिड इफ, अगर ये अम्लीय होगा यदि, और ये आपके ऑप्शन दे रखे थे एच प्लस इक्वल टू यानी कि एच के जो आयन होंगे वो 1 × 10⁻⁴ या 1 के जो एच के आयन होंगे प्लस में आयन वो 1 × 10⁻⁷ या एच के आयन जो होंगे वो आपके होंगे, इसे मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ तो आपको और आसानी रहेगी। ऐसे ये पहला हो गया, ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा और ये चौथा, तो ये चार ऑप्शन आपके वहाँ पे दे रखे थे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इस तरह से आपका था। तो इसका जो आपका देख लीजिए कि अम्लीय होगा मतलब जो आपके एसिड्स होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है, क्योंकि ये सब आपके पीएच में दे रखे हैं, आयन जो होता है अम्लीय क्षारीय मापा जाता है आपका पीएच वैल्यू से, तो ये आयन दे रखे हैं आपको हाइड्रोजन के आयन, और आयन को नापने के लिए हमें पीएच चाहिए होता है। और पीएच की वैल्यू अगर हमारी 7 से कम होती है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा होते हैं तो वो हमारे क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पीएच वैल्यू फाइंड की जाती है। तो अम्लीय प्राप्त करना है तो अम्लीय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 10⁻⁷ तो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁷ आपका छोटा हो जाएगा, लेकिन ये इससे भी क्या हो एच प्लस से आपके छोटा होना चाहिए, मीन्स कहें तो हमारे जो एच प्लस के जो आयन होंगे वो हमारे ये यानी कि थर्ड जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा। हमारा जो हमारी जनरल अवेयरनेस है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया था हमारी वर्तमान की रक्षा मंत्री कौन है, तो इसका आंसर सबको पता होगा निर्मला सीतारमण, ये हमारी वर्तमान की रक्षा मंत्री हैं। फिर आपका क्वेश्चन था देखिए शांति स्वरूप भटनागर, ये शांति स्वरूप भटनागर ये एक रत्न है, ये किस साहित्य में दिया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन था शांति स्वरूप भटनागर किस साहित्य में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइंस में यानी कि केमिस्ट्री में इसका इसको दिया जाता है। तो जो आपके अवार्ड हैं अवार्ड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको रखना चाहिए, क्योंकि अवार्ड हो गया शांति नोबेल पुरस्कार हो गया या आपका रत्न भारत रत्न हो गया, तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। और भारत रत्न में अगर बात करें तो भारत रत्न जो हमारा अगर पूछा जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे थे अभी इनका देहांत हो गया है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर याद कर लीजिए, इसका आंसर जो हमारा है 2015 में दिया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, वो आपका है 25 दिसंबर को। और साथ ही साथ बस थोड़ा सा जानकारी और निकाल लीजिएगा आप, बाकी आप इसे हमारे आगे पैटर्न देखते रहिए। फिर आपका क्वेश्चन था 2016 में भारत ने हॉकी विश्व कप को किसे हरा कर जीता। देखिए 2016 में जो हमारे जूनियर वॉयस का जो हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी तो उसमें इंडिया जीता था और क्रिकेट में इंडिया हार गया था, ठीक है। तो भारत ने हॉकी में विश्व कप में जीता था, तो किसके किसके बीच हुआ था फाइनल, तो बेल्जियम और भारत के बीच हमारा क्या हुआ था हॉकी T20 हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था विश्व कप, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेल्जियम। तो और बेल्जियम ये अभी याद रखिए, मैं बता दूँ कि आपको जो हर शिफ्ट में दो या तीन क्वेश्चन आपके मैच
कि कोई भी हो मैच, आपका मैच एक क्वेश्चन मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि किसी का नाम था और वो पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा शतक उसने मतलब स्कोर्स बनाया रन्स का, तो उसने लास्ट स्कोर सबसे ज़्यादा किस स्टेडियम में बनाया। ठीक है, तो उनका आंसर आपका कोलकाता है, लेकिन मुझे उस क्रिकेटर का नाम नहीं ध्यान आ रहा, इंडियन के ही क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्रिकेट पे 2 या 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप बताइएगा कि जो चाइनीज़ व्यक्ति था जो 623 से आया था और 641 या 42 तक आपका भारत में रहा, उसके ऑप्शन आपके दे रखे थे, मुझे 2 ऑप्शन याद है, एक तो आपका फायान, ठीक है, और दूसरा था हिंगशियान। तो आपका फायान, दूसरा हिंगशियान, और भी 2 ऑप्शन थे, वो तो मुझे ध्यान नहीं है, पर आप मुझे इसका कमेंट में आंसर देंगे, क्योंकि मुझे तो पता है, बस आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।